उन पैसे कंपनी और साथ में इकोसिस्टम, और उस समय एक अपने दो वीडियो को लेके वो आगे बढ़े अपने मिशन के साथ में। और मिशन के साथ में बढ़ते हुए उस समय हमारा वेबसाइट चलता था गो फाउंडर में। तो गो फाउंडर में चलते चलते साथ ही जो हमारे जो 72 इकोसिस्टम थे वो अपने पास नहीं थे, तो हमने क्या किया, किसी दूसरी कंपनी से हायर करके कि हमें ऐसा सिस्टम बना के दो। तो उन कंपनियों ने ओके किया, ठीक है हम बना के देते हैं। लेकिन क्या था, कारीगर बोलते ना, एक पुराना कारीगर सिर्फ वही मेट करेगा जो उसके माइंड में होगा। और जैसे हमने उस कंपनी को बोला कि हमें ऐसा 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 इससे भी बेटर प्रोडक्शन चाहिए एआई सिस्टम के साथ में जो ऑटोमेटिकली काम करना चाहे, उस समय उन्होंने कहा ओके ठीक है हम देंगे। लेकिन समय गुजरता गया, उन कंपनियों के पास ऐसा कोई भी कारीगर नहीं आया जो हमको वो बेस्ट प्रोडक्ट दे चुके, बेस्ट प्रोडक्ट दे हमें, लेकिन ऐसा इसके बाद भी वो पीछे नहीं उठे। उन्होंने उन कंपनियों ने हैंड राइज कर दिया कि मैं ये नहीं दे सकता। तो एस सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नहीं दे सकते तो इंडिया में या वर्ल्ड में ऐसे ऐसे कारीगर हैं जो मुझे ये चीज बना के देंगे। तो उन्होंने 2020 के शुरुआत में ही अपना और अपने आप को प्रोजेक्ट को और बड़ा किया, जिससे उन्होंने 2020 में हैदराबाद में अपना ही ऑफिस लिया और नए नए रिक्रूटमेंट किया जो हमारे प्राइड और बढ़ा सके, अपने प्रोडक्ट्स को और अच्छा बना सके। जिनके पास वो काबिलियत है, जो आईटी सेक्टर्स के धुरंधर है, एक से बढ़कर इंडिया के अंदर तो सस्ते में बहुत ही बढ़िया इंजीनियर, जो आईटी के इंजीनियर है वो हमारे पास आए, उनका रिक्रूटमेंट किया। और देखते देखते फिर वो अपने ही ऑफिस में काम करना शुरू किया। तो अभी 2022 के अंदर 1000 प्लस एक से बढ़कर एक इंजीनियर जो आईटी सेक्टर से रिलेटेड है वो अपने काम कर रहे हैं। और साथ ही फिर एक बिजनेस बोलते ना, अब वो बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए कि अपने मार्केटिंग को मैं और कहां से बढ़ावा दूं जिससे मेरे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड हो जाए, तो उन्होंने एक सबसे बढ़िया जो अभी वर्ल्ड का टॉपेस्ट कंट्री है, जहां आईटी हब और जहां हजारों से ऊपर कंपनियों के ऑफिस है, वो जगह चुना, वो है अपना दुबई। दुबई के बुर्ज खलीफा में अपना दो ऑफिस लिया, 151 और 134 फ्लोर में, जो दुबई का बुर्ज खलीफा। अब 151 में यानी इतने हाइट में अभी तक किसी भी कंपनी का ऑफिस नहीं है वर्ल्ड के अंदर। अगर आप देख सकते हो इतनी हाइट में किसी का ऑफिस नहीं है, यानी कि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। तो इसी मिशन और विजन के साथ में वो आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते बढ़ते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हम अपने आप को हमेशा ही आगे टोपे सोचते हैं। और उनका जो हर मिशन और विजन था, उस मिशन और विजन के साथ में अभी 13.5 लाख लोग से ऊपर ज्वाइन हो चुके हैं। अब उनका ये है कि 13.5 लाख लोगों को एक फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मैं दे सकता हूँ, एक छोटा सा अनुमान लगा के चले कि अगर 13.5 लाख जितने भी है उनका इनकम मिनिमम भी 1 लाख 2 लाख या 50 लाख से ऊपर अगर आता है मंथली इनकम वो करते हैं, तो उनका क्या होता है, सक्सेस होता है। और इंडिया के अंदर हम एक अप्रोक्सीमेटली इनकम कितना सोचते हैं कि एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए इस समय 30,000 से 50,000 हम सोच सकते हैं, बट यूरोप कंट्री में $1,000 एक मिनिमम अमाउंट होता है जिससे वो सोचते हैं कि हमारा लाइफ अच्छा व्यतीत हो सकता है। तो एस सर ने यही सोचा कि अगर इन जितने भी है
13.5 लाख लोग को अगर मंथली 1 लाख भी इनकम आता है और एक्स्ट्रा जो इनकम आ रहा है जिनका 5 लाख या 10 लाख, तो खर्च ये कितना करेंगे? आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मेरा इनकम 1 लाख रुपए है या 5 लाख है या 10 लाख है, मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख खर्चा करूंगा पर मंथ, 2 लाख खर्चा करूंगा, फिर भी उसमें से कई परसेंट मेरे पास बच जाता है, 70% 80% मेरे पास बच जाता है, तो मैं ज्यादा खर्चा किसमें करूंगा? ठीक है, मैंने सेविंग में भी लगा दिया, 50% सेविंग लगाता है, 50% मेरा बच जाता है। अब वो 50% किसमें जाएगा? वो ब्लेसिंग में जाएगा, चैरिटिंग में जाएगा, लोगों की हेल्पिंग में जाएगा, स्कूल में जाएगा, शायद कृषि साइड में जाएगा, हेल्थिंग में जाएगा, यानी कि जो उनका मिशन क्या था कि हर एक देश के अंदर जो भी गरीबी है उसको मिटाने के लिए मैंने जितने भी फाउंडर चुने थे वो मेरे एक ब्लेसिंग वर्क करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे उनका जो मिशन है यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाउंडर बना के उनका पर्सनल हेल्प करने के बाद देश के जितने भी बचे हुए लोग हैं जो इस सिस्टम से अनभिज्ञ हैं और जिनको जरूरत है खाने पीने रहने सहने का, तो उस चीज में ये मेरे फाउंडर हेल्प करें। तो 100% आप सभी जितने भी फाउंडर हैं उनका हेल्प होगा। तो ये था उनका मिशन और विजन जो आगे बढ़ ही रहा है। और लास्ट में अब मैं ये कहता हूँ कि ओके, यहाँ पे 70,000 से ऊपर आज फाउंडरशिप है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मीटिंग में कितने आए हुए लोग। हम अगर मात्र 100 पार्टिसिपेंट का भी रखते हैं तो 100 पार्टिसिपेंट नहीं आते, 30, 35, 40, 50, ज्यादा से ज्यादा कभी 90 प्लस हो जाते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा आते हैं, हर समय 100 प्लस होता है, तो हम 500 लोगों का या फिर 1,000 लोगों का रूम लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो बिजनेस भावना, वो सोच, वो आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। हमारी हर समय वही सोच होती है कि एक मैं लेबर हूं तो मुझे काश कल सुबह एक अच्छा मौसम मिले, अच्छा मुझे क्या मिले, एक काम करने का जगह मिले जिससे मैं 200 या 300 रुपए मैं कमा सकूं। लेकिन अब आप लोगों को एक फाउंडरशिप दिया गया है, एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया गया है जिससे आप अपना सक्सेस करोगे, अपने बच्चों का भविष्य सुधारोगे, अपना परिवार का भविष्य सुधारोगे, साथ ही आने वाले समय में अपने गांव का भविष्य सुधारोगे। क्योंकि आप ऐसे जगह में आ रखे हो कि ये ऐसा सिस्टम है, ऐसा बिजनेस है कि बिजनेस छोड़ो, आप एक समुद्र के ऊपर खड़े हो, एक ज्वालामुखी के ऊपर खड़े हो, एक एटम बम के ऊपर खड़े हो, जिसको समझने के लिए आपके माइंड में वो जगह नहीं है, वो जगह नहीं है आपके माइंड में, मेरे माइंड में भी नहीं है कि मैं किस जगह में खड़ा हूं। लेकिन जब वहां से ज्वालामुखी फूटेगा या एटम बम फूटेगा या कुछ चीज होगा, तब आपको लगेगा कि हाँ मैं किस जगह में खड़ा था। और उस जगह को अगर समझाने के लिए हमारे जितेंद्र सर, इम्तियाज सर, गीता मैडम या अदर कोई भी फाउंडर जो इतनी रात भर इतना मेहनत कर रहा है, आपके लिए कोई मीटिंग अरेंजमेंट कर रहा है, किस लिए कर रहा है? जो कि ये मीटिंग अरेंजमेंट करने के लिए क्या फ्री में होता है? नो, पेमेंट देना पड़ता है। पेमेंट देने के बावजूद और इतने रात में जगने के बावजूद आप लोगों को सिखा रहे हैं, इसलिए सिखा रहे, एक ह्यूमैनिटी अपलिफ्ट के लिए जो एस सर का विजन है उसको साथ में लेके चलने के लिए। बट हम क्या करते हैं, अरे छोड़ो ये वेबिनार चलता रहता है, पहले भी वही चल रहा था, 1 साल पहले भी, अभी भी वही चल रहा है। नो, अब समय लास्ट एंडिंग में है, इतना एंडिंग में है कि आने वाले समय में रियल में एक चाहे आप पेपर लेके लिखो
चाहे आप नोट डाउन करो चाहे इसको रिकॉर्ड करके रखो, 70% फाउंडर्स, 70% फाउंडर्स सब्सक्रिप्शन की भी कर लेंगे इजीली, और जो उनका फर्स्ट मंथ का इनकम है या पर डे इनकम जो हो रहा है या पर हावर्स का इनकम हो रहा है या पर सेकंड का इनकम हो रहा है, वो इजीली अपना विड्रॉल कर पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे। बट वो 30% लोग हमेशा ढूंढते रहेंगे कि अब मैं इसको क्या करूं, आपके पास समझाने के लिए कोई नहीं आएगा आफ्टर लॉन्च के 1 मंथ या 2 मंथ, उस समय आपको अपने आप ही जागरूक होना पड़ेगा, अपने आप ही जाना पड़ेगा कि किस वीडियो को मैं चेक करूं, कहां से करूं, क्योंकि अभी भी ऐसे स्पॉन्सर है या अपलाइनर है जिनको खुद अपना आईडी निकालना नहीं आता, अपना लिंक कहाँ है वो देखना नहीं आता, या मेरा एनडीए कहाँ है या मेरा पर्सनल प्रोफाइल देखना नहीं आता। तो जो ये मीटिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये आपके भाई के लिए कर रहे हैं कि आप आइए, अपने आप आइए। अगर आप अपने डाउनलाइन को नहीं ला सकते तो प्लीज अपने आप सीखिए कि मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ तो उसमें एक्सेस कोड आता है। अब एक्सेस कोड आने के लिए मुझे बैक करना पड़ेगा, मिनिमाइज करना पड़ेगा, या डायरेक्ट क्लोज करना पड़ेगा, या नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा, या मुझे वहां से कॉपी करना पड़ेगा। तो वो चीज समझिए कि अभी इजीली हम सब चीज कर पा रहे हैं। मेन क्या है, अभी इनकम नहीं आ रहा है, इसीलिए सभी जितने फाउंडर है वो पीछे हट रहे हैं कि ओके कब होगा, ये तो 2 साल से पहले से चल रहा है, लेकिन अब आप क्लोजिंग में है। प्लीज आप क्लोजिंग में है बहुत बड़े बड़े बिजनेस के साथ में जो आपने सोचा नहीं है। मैंने इससे पहले कहा एटम बम से वो ऊपर है, आप ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हो, उसके फटने से पहले अपने आप को सिक्योरिटी सिक्योर बना लो, समझ लो उस सिस्टम को। क्योंकि 100% मैं बोलता हूँ, 100 में 70% फाउंडर्स प्राउड फाउंडर में है जो थोड़ा सा सीख रहे हैं, जिनको नहीं आता था वो सीख रहे हैं, लेकिन जिनको आता भी है फिर भी वो 30% वाले लोग हैं जो ये समझना नहीं चाहते कि अब मेरा क्या होने वाला है। जो समझ रहे वो 100% लॉन्च के फर्स्ट मंथ में ही अच्छा और बेस्ट इनकम ले लेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन कर लेंगे, लेकिन जो अभी सो रखे हैं उनको अपनी आईडी लॉगिन करना भी नहीं आएगा। लॉगिन कहाँ से करेंगे जब उनको नहीं पता कि मेरा मेल कहाँ है, मेरा पासवर्ड कहाँ है, मेरा ओटीपी कहाँ आता है, एक्सेस कोड कहाँ आता है, या 6 नंबर का जो डिजिट है वो क्या चीज है। तो इसीलिए जितने भी प्रोडक्ट फाउंडर यहाँ पे मीटिंग में है, अपने आप तो जागरूक हो और अपने जितने भी डाउनलाइन वाले हैं उनको भी जागरूक करें कि अब समय वो नहीं है, अब नए फाउंडर को लाने से बेटर आप अपने पास जितने भी बचे हुए फाउंडर है जो लॉगिन करके बैठे हुए हैं या आप एक्टिव करके बैठे हुए हैं या पेंडिंग करके बैठे हुए हैं, तो उनको ही आप थोड़ा सा जागरूक करें। क्यों, आप बिजनेस में हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम मार्केटिंग नहीं है कि आप ऑटोमेटिकली उससे इनकम ले लें। ये एक अपने माइंड को सेटअप करके रखना, क्यों, क्योंकि मैं 100% बोलता हूँ इंडिया अभी भी 20 साल पीछे है अदर यूरोप कंट्री से। क्यों पीछे है, अब आपके बगल में ही कई ऐसी कंट्री है जो पड़ोसी कंट्री है जहां आईडी लगाना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत टेढ़ी खीर है। आपके यहाँ आपके कंट्री में यानी हमारा जो इंडिया कंट्री है उसमें आईडी लगाने में चंद सेकंड में ही आपकी आईडी एक्टिव हो जाती है। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी पड़ोसी कंट्री है भूटान, भूटान में अभी भी वही 250 रुपये का पैकेज है जिसमें आपको 1.5 GB या 1 GB डाटा मिलता है, और वो भी नेटवर्क प्रॉब्लम देता है, और साथ ही इन
इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वहां पे आईडी लगाने के लिए पैसा कलेक्ट करके बॉर्डर पार करना पड़ता था। बॉर्डर पार करने के बाद जो वो पैसा आता था उसको हम कन्वर्ट करते थे इंडियन करेंसी में। कन्वर्ट करने के बाद वो मेरे पास आता था और जो लिस्ट आता था मेरे पास तब हम उसको एक्टिव करते थे और उससे पहले ही मेल इंडिया में ही क्रिएट होता था। जब इतना बड़ा प्रॉब्लम अपने ही पड़ोस कंट्री में है तो ऐसे ही साउथ अफ्रीका के कंट्री है उसमें भी कई प्रॉब्लम है। तो इंडिया बहुत आगे है, तो आप भी थोड़ा सा आगे रहिए, उनसे पीछे नहीं रहिए। तो इंडिया में भी अभी अभी भी ऐसे ऐसे फाउंडर हैं जिनको नहीं पता कि मेरा मेल क्या है, मेरा पासवर्ड क्या है, या जीमेल क्या होता है, या पासवर्ड क्या होता है, वो भी नहीं पता। तो आप सभी एक प्राउड फाउंडर हो, एक ग्रेट फाउंडर हो, एक बड़े बिजनेस के साथ में आए हो, तो इसका सही सदुपयोग कीजिए और अपना वैल्यू को पहचानिए। और आपका वैल्यू क्या होगा आने वाले समय में, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है या यूट्यूब है, एक यूट्यूबर कोई भी हो जिसके शायद मिलियंस ऑफ मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, एक ट्विटर है जिसके फॉलोवर भी मिलियन ऑफ मिलियन होंगे, चाहे वो एक सेलिब्रिटी क्यों ना हो, चाहे वो नेता क्यों ना हो, या स्पोर्ट्समैन हो, या अदर कोई भी हो, जब वो ट्विटर से जुड़ता है, फेसबुक से जुड़ता है, यूट्यूब से जुड़ता है, तो वो बिना एफिलेटेड लिंक से कहीं भी नहीं जुड़ सकता। उसको अपनी आईडी बनानी ही पड़ती है, चाहे वो सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, चाहे अपने पीएम मोदी जी हो, या अदर कोई भी हो वर्ल्ड वाइड, चाहे फुटबॉलर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे कोई भी हो। और आने वाले समय में कोई भी ऐसा वर्ल्ड का सेलिब्रिटी एक क्या करता है, लिंक यानी अपने फाउंडर का onpesi.com से एक लिंक से अगर वो ज्वाइन होता है या लॉगिन करता है या साइन अप करता है, तो वो 100% जितेंद्र देव से या गीता जी से या फिर इम्तियाज बेलर से या विजय गिरी के एफिलेटेड लिंक से क्लिक होता है। तो वो क्लिक होते ही आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आप सेलिब्रिटी के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी आपकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, उससे ऊपर चली जाएगी। यानी कि जब एस वोबरा सर बोलते हैं कि आपका एक वैल्यू बनता है, एक वैल्यू क्रिएट होता है, वो यहाँ पे आप इसको इस चीज को समझिए। हो सकता है वो अगर अपना साइन अप कर रहे हैं एक रिक्शे वाला जो फाउंडर बना हुआ है, तो उससे ज्वाइन होता है, तो उसका वैल्यू कहाँ चलता है, एक वो रिक्शे वाले के नीचे जाता है और रिक्शे वाले का वैल्यू कितना ऊपर जाता है। तो हर समय एस सर बोलते हैं पैसा तो यहाँ भी बहुत आने वाला है, अपना एक वैल्यू क्रिएट करना है। तो अब यही चीज अगर आने वाले समय में हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा जागरूक कीजिए और अपने नीचे जितने, चाहे मैंने एक लगाया है, चाहे मैंने 10 लगाए, चाहे मेरे 50 किए, चाहे 100 किए, चाहे 10,000 किए, जितना हो सके उनको जागरूक करने का अभी समय है। आप हमारे पास ये 10 दिन का समय है, उनसे हर एक लेवल में आपको देख कीजिए, तो आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर एक भी फाउंडर अगर छूट जाता है, एक भी अगर फाउंडर छूट जाता है, जो मैंने 30% का बताया, 30% तो छोड़ दो, अगर एक भी फाउंडर अगर छूट जा रहा है, चाहे वो जानकारी ना हो, चाहे जैसा भी हो, ज्वाइन करके बैठा हुआ, जो 9,086 दे रहा है, यानी $102 दे के आया हुआ है हमारे पास, अगर एक भी फाउंडर छूट गया, तो जो हमारी ये मेहनत है, हमारी रात भर का मेहनत है, या हम अपने जूम को एक्टिवेट करके इतना चीज बैठे हुए और हमारे इतने बड़े बड़े लीडर अपना अमूल्य समय दे रहे हैं इस सिस्टम के साथ में, रात भर इसमें बैठे हुए हैं,
आप भी बैठे हुए और कई और लीडर भी और बैठे हुए हैं, कई पैनलिस्ट बैठे हैं, वर्ल्ड वाइड पूरा मीटिंग चल रहा है, तो समझ लो वो हमारा मेहनत खत्म हो गया। तो हमारी ये मेहनत को बचा के रखें, जो हमारा प्रयास है उसको थोड़ा आप भी लोग समझे। तो ज्यादा ना क्या, तो इस चीज में अगर मैं और लंबा करना चाहूँ तो रात भर ओम पेशी के विषय में और अपने फाउंडर के विषय में, अपने वैल्यू के विषय में, या अपने एस सर का मिशन और विजन के साथ में, या अपने प्रोडक्ट के साथ में, या अपना इनकम के साथ में अगर मैं बात करना चाहूँ तो शायद मॉर्निंग हो जाएगा, रात भर माता का जागरण की तरह हो जाएगा। और सुबह बोलते हैं ना, रात भर रामायण सुनाया, सुबह बोलते हैं सीता किसका बाप था, तो वो चीज ना हो जितना मैंने कहा, या मेरे और लीडर और बोल रहे हैं, या मेरे जितने भी पैनलिस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उनको थोड़ा सा आप गौर से समझे। प्लान, विजन, मिशन आप $97 देके आते हैं, एक छोटा सा अमाउंट देके आते हैं, और एक बहुत बड़ा बिजनेस में आप इंटर करते हो। आप बिजनेस में इंटर करते हो तो उस बिजनेस को समझने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। अगर समझ पाते हो जल्दी तो बेस्ट है, अगर नहीं समझ पाते हो फिर भी आप ज्वाइन हो जाइए, ज्वाइन होने के बाद समझे, क्योंकि एक महासागर है, इस महासागर को नापने के लिए आपके पास वो समय अब नहीं है कि अब मैं इसको समझूंगा तब जुड़ूंगा। नो, प्लीज आप अपने आपके जो 9000 रुपए हैं, 8900 रुपए जो आप दे रहे हो, उसको बड़ा ना समझे। बड़ा क्या है, बड़ा ये बिजनेस है। हम ये 9000 रुपए में ज्वाइन हो रहे हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी बिजनेस है, जो कि आने वाले समय में आफ्टर 10 दिन बाद आपको महसूस होगा, या चलो 10 दिन बाद नहीं, आने वाले समय में हर एक बच्चा वो बोलेगा कि पापा आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आया था क्या, ओन पेशी को आपने समझा था। मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा ने ओन पेशी का 9000 में उस समय अपॉर्चुनिटी लिया था, आपने लिया था, तो 100% ये बोलेगा। तब उस समय आप क्या बोलोगे, हाँ बेटा मेरे पास आया था, लेकिन 9000 मैंने नहीं दिए, मुझे ऐसा लगा था कि ये ऐसा बिजनेस होगा, नेटवर्क मार्केटिंग होगा, चैनल टाइप में होगा, जिसमें चेन सिस्टम होगा, जिसमें 2 को जोड़ो 4 को जोड़ो तब मुझे इनकम आएगा, इसलिए मैंने नहीं सोचा। तब वो बच्चे भी बोलेंगे पापा आप थोड़ा समझने में गलती करते हो। तो वो गलती को दोहराने के लिए मेरे बच्चे या मेरे बच्चे के बच्चे मुझे ना सिखाएं, वो सिखाने से पहले हम एक 9000 में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, जिसको हम लेस ले। और 9000 आपके कहीं जाने वाले नहीं है, कहीं खत्म होने वाले है, कहीं डूबने वाले नहीं है, चाहे आप किसी को एफिलिएट करो, चाहे रेफरल करो या ना करो, एक ही बिजनेस है। बोलते ये 7 जनरेशन के लिए, नो, 7 जनरेशन के लिए नहीं है। जब तक ये दुनिया है, जब तक ये वर्ल्ड है, तब तक इंटरनेट है, और जब तक इंटरनेट है तब तक ओनपेसिव है, और जब तक ओनपेसिव है तब तक हर एक फाउंडर को इनकम जनरेट है। तो ये एक लास्ट में यही बोलूंगा, जो हमारा एक स्लोगन है 100% सही है, वी आर इन इट टू विन इट, यानी जो भी इसमें जुड़ता है, जो भी इन होता है, वो 100% सक्सेस होता है। और जो हम लास्ट के दो है, मिशन और विजन, 100% लोगों की भलाई के लिए है, अपना ये ओन पैसिव, और 100% लास्ट में क्या होता है, हर एक फाउंडर सक्सेस होना है, लेकिन अब वो सक्सेस होने का समय आ चुका है, तो जागरूक होने का भी समय है। अगर इस बीच में मैंने कुछ गलत कहा हो या ऊपर नीचे कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ये मंच जो मुझे जितेंद्र जी ने दिया है, अब ये मंच उनको सौंपता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ जितेंद्र जी का। थैंक यू सर, जितेंद्र सर धन्यवाद। थैंक यू विजय गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो शेयरिंग था वाकई में एक वो था ना, एक नॉर्मल भाषा मतलब जो सभी को अच्छे से समझ में आए, उस भाषा में, उस लैंग्वेज में आपने इसको प्रेजेंट किया। और आई होप कि जितने हमारे फाउंडर्स, हमारे साथी भाई बहन सुन पा रहे हैं मेरी आवाज,
उन सभी को इसका विजन और मिशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आने वाले टाइम